असुर सेनापति महाबली चंड मुंड की जय। माता आप इन असुरों को यमलोक पहुंचाएं, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दें। मुंड की जय। सावधान दुष्ट चंड मुंड, तुम्हारा प्रवेश कौशिकी महालय में अब कदापि नहीं होगा। तुम दोनों यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। नहीं, हम बलपूर्वक सुंदरी कौशिकी को स्वर्ग लोक ले जाकर ही रहेंगे। स्वर्ग विजेता शुंभ निशुंभ की यही आज्ञा है। चंड मुंड, तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। हम पाताल के महावीर योद्धा हैं। यज्ञ में बलि देने के लिए बांध दिया है। माता आपने चामुंडा रूप धारण कर लिया है, अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जय। चंड मुंड भी, दैत्यराज चंड मुंड भी उस सुंदरी के हाथों मारे गए। अब तो आपको उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा असुर जाति का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। असुर जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले असुर द्रोही, तेरा ही परामर्श मानकर हम धूम्रलोचन तथा चंडमुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैठे हैं। असुर जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा। दैत्यराज, अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मदेव का वरदान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा। अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता। दैत्यराज, 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 अनर्थ हो गया महाबली दैत्यराज। जो नहीं होना था वही हो गया दैत्यराज। जिस विषय के लिए सोचा भी नहीं था दैत्यराज, वही हो गया, वही हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो। चंडमुंड दोनों मारे गए दैत्यराज, चामुंडा के हाथों मारे गए। पहले कालिका और अब चामुंडा। कौन है वो कालिका और ये चामुंडा?
रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। लगता है सुंदरी कौशिकी की रक्षा के लिए कालिका ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है। वो कुछ भी बनकर प्रकट हो, उसे समाप्त तो करना ही होगा। इसके लिए आपको अपने चमत्कारी साथी रक्त बीज का आह्वान करना होगा। हाँ, रक्त बीज हमारे आह्वान पर तुरंत पाताल लोक से बाहर निकलकर प्रकट होगा और वो कालिका व चामुंडा को समाप्त करने में हमारी सहायता करेगा। कालिका के समाप्त होते ही सुंदरी कौशिकी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो तुमने बुद्धि और ज्ञान की बात कह दी निशुम। चलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं। असुर शिरोमणि चमत्कारी रक्तबीज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। रक्तबीज, रक्तबीज। स्वर्गाधिपति असुर सम्राट दैत्यराज शुंब निशुंब की जय। रक्तबीज, तुम्हारे आगमन से हम प्रसन्न हुए। दैत्यराज, मेरा आवाहन क्यों किया? रक्तबीज, सुंदरी कौशिकी को हमने स्वर्ग की साम्राज्ञी बनाने का प्रण किया है और उस प्रण की पूर्णता में कालिका चामुंडा बाधा बनी हुई हैं। रक्तबीज, तुम तुरंत जाकर चामुंडा और कालिका को समाप्त करके सुंदरी कौशिकी को यहां ले आओ। इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। असुर सम्राट शुंभ निशुंभ, आपकी आज्ञा मानकर आपका प्रण पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। धूम्र लोचन और चंडमुंड के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अब रक्त बीज को भेजा है। अर्थात शुंभ निशुंभ अब भी स्वयं देवी कौशिकी के पास आने का साहस नहीं कर रहे, किंतु इस राक्षस की भयंकरता को देखकर लगता है कि ये महाशक्तिशाली राक्षस कौशिकी महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगी।
उत्कृष्ट, अलौकिक, अद्वितीय। हे सुंदरी, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें आदर पूर्वक स्वर्गलोक ले जाने के लिए आया हूं। महाबली शुंभ निशुंभ त्रिलोक विजेता है, तुम उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर त्रिलोक साम्राज्य बन जाओगी और जगत के सर्वोत्तम सुखों को भोगोगी। आओ मेरे साथ, आओ स्वर्ग लोक, चलो मेरे साथ। कालिका के साथ युद्ध करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे। वो सुंदरी कौशिकी के साथ भयानक और चमत्कारी कालिका चामुंडा है। हम अपने अनेक असुर वीरों को उसके प्रहारों का कारण खो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें युद्ध में अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। 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 किसने रोका हमारा विमान? हे शुंभ निशुंभ, तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये विमान रोका है।
शिव शंकर हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव शंकर की जय हो। शुंब निशुंब, कौशिकी पर विजय पाने का तुम्हारा अभियान तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग पुनः देवताओं को सौंप कर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। कौशिकी के अभिमान को भंग करके हम उसे स्वर्ग ले जाएंगे और वो स्वर्ग की साम्राज्ञी बनेगी। यह सर्वथा संभव है शुंब निशुंब। गौरी पुत्री कौशिकी शक्ति का अवतार है और शक्ति असुरों का केवल विनाश ही करती है, उनकी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करती। अब भी समय है, स्थिति को समझकर सावधान हो जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, 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 निश्चित है। भैया शुंब, शिव ने कहा कि वो दैत्यों के शुभ चिंतक हैं, परंतु मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कौशिकी को स्वर्ग साम्राज्ञी बनाने का अभियान पूर्ण करना ही चाहिए। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंब निशुंब की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंब निशुंब की जय। कैसी हो कौशिकी? आप कितने कृपालु हैं जगत पिता। मैं अपनी उत्पत्ति के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। आपने स्वयं प्रकट होकर मुझ पर अपार कृपा की है। कौशिकी, हमें उद्देश्य वश प्रकट होना पड़ा है, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य सार्थक करना है। यही कहने हम आए हैं। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंब निशुंब को दिया था, उसकी पूर्णाहुति तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण होगी। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। तुम्हारी माता देवी पार्वती ने तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुंब निशुंब के अनेक चमत्कारी सहायक असुरों का संहार किया है, किंतु शुंब निशुंब का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। असुर तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचे हैं, अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। कविता है स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं।
इससे पूर्व विधाता ने तुम जैसी सौंदर्य पूर्ण सृष्टि तो की नहीं होगी। अब भविष्य में भी क्या करेगा, सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया। तुम्हारी रचना करने के पश्चात सौंदर्य के नाम पर विधाता के पास अब शेष बचा ही क्या होगा? तुम्हारा एक एक अंग अर्थात अंग प्रत्यंग विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है। तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? पहले तुम्हारे रूप सौंदर्य से हुई पराजय से तो उभर ले, फिर युद्ध की जय पराजय पर विचार करेंगे। ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा? तुम्हारे भीतर दो विरोधी गुण एक साथ कैसे समा गए सुंदरी? सौंदर्य और युद्ध की तत्परता। तुम जैसी कोमलांगी सुमधुरा लावण्य में युद्ध करे? ना 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 ना। युद्ध नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त कैसे करोगे? सुंदरी, हमने तुम्हारे विषय में अब तक जितना सुना वो बहुत ही कम था। सुनाने वालों के पास सुनाने की गुण शैली वाणी और भाषा थी ही नहीं। सुंदरी, तुम जैसी परम सुंदरी से युद्ध करना अपने पौरुष का अपमान करना होगा। तुम्हें तो बिना युद्ध किए स्वयं को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा बल वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित है सुंदरी, फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूँगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। प्रतिज्ञा, तुम्हारी प्रतिज्ञा सुंदरी, प्रतिज्ञा पुरुष से पूर्ण पुरुष ही क्या करते हैं। तुम जैसी कोमलांगी सुंदरी को प्रतिज्ञा करना शोभा नहीं देता। कोमलांगी प्रतिज्ञा करे तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दुष्टो, नष्ट तो तुम्हें होना है। मुझसे युद्ध करो अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। भैया शुम, अब तो हमें इस अम्मानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसी भूल मत करना निशुम, अन्यथा ये सुंदरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी। किंतु तुमने रक्त बीज का आह्वान करने से पूर्व मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कौशिकी मेरी हो जाएगी, क्यों याद आया? हाँ भैया शुम्भ, हाँ। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। कोई प्रहार नहीं करेगा।
शुंभ, मैं तुम्हें अंतिम बार सावधान करती हूँ, यदि अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो तो इसी समय अपने असुरों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ। नहीं सुंदरी, नहीं, अपने भैया शुंभ का प्रतिशोध लिए बिना और तुझ पर विजय पाए बिना अब लौट जाना संभव कैसे होगा।